हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्राप्तीज क्रिएटिव कॉर्नर। और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने आगे की वीडियो, जो कि मैंने करवा चौथ थाली से रिलेटेड आपके साथ शेयर की थी। ये उसका सेकंड पार्ट है। उसमें मैंने शेयर किया था कि मैंने थाली को कैसे डेकोरेट किया है। इसमें मैं डेकोरेट आपको आगे की फर्दर वीडियोज़ दिखाऊँगी। तो सबसे पहले इसमें मैं डेकोरेट कर रही हूँ लोटा। लोटे के लिए मैंने फैब्रिक को कट आउट कर लिया है। इसका मेजरमेंट लेके मैंने इसका कट कर लिया है। जितना भी मुझे मेजरमेंट चाहिए फैब्रिक का, उसके हिसाब से मैंने कट कर लिया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक प्लेन कपड़ा लेके इस पर रैप करना है। और उसके बाद मैंने इस पर लगा लिया है ग्लू। ग्लू को अच्छे से लगा के उसे फैला लीजिए। और ये देखिए, पूरा फैब्रिक, एक रेक्टेंगुलर फैब्रिक मैंने इस पर पेस्ट करना है। उसे अच्छे से खींच खींच के इस पर अच्छे से स्टिक कर दीजिए। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना था, इसीलिए मैंने आपको ऐसे दिखा दिया है। आप देखिए, पूरा अच्छे से इसके रेक्टेंगुलर फैब्रिक लेके इस पर स्टिक कर दीजिए। और जो कॉर्नर्स में आपको दिख रहा है ये एक्स्ट्रा फैब्रिक, हमें इसे कट आउट करना है। बट उससे पहले एक बार अच्छे से लगा दीजिए पूरा मेजरमेंट। कहीं से आपका वो नहीं होना चाहिए कि आपका स्टील का लोटा अंदर से दिख रहा हो, तो इसलिए अच्छे से पहले स्टिक करके फिर उसके बाद कट करिएगा। और ऊपर से भी आपको क्रीज हटा लेनी है सारी। अभी देखिए, मैं इसे कट कर दूंगी पूरा, बिल्कुल उससे चिपका के कट मत करिएगा, वरना थोड़ा सा वो ऊपर नीचे होता है तो वो प्रॉब्लम होती है, फिर थोड़ा सा आपका वो दिखेगा। तो इसलिए पूरा अच्छे से हल्का सा छोड़ के बाकी रिमेनिंग फैब्रिक कट कर दीजिए। आप देखिए, ऊपर भी थोड़ा सा बचा है, पहले मैं इसे अच्छे से स्टिक कर लूँगी, फिर जो आपको रिमेनिंग लगे वो वाला आप इसे कट कर दीजिए। ये देखिए, अब मैं इस पे ग्लू से अच्छे से इसे स्टिक कर दूंगी। आपको बहुत ज्यादा ग्लू लगाने की जरूरत नहीं है, वरना वो कपड़े के आर पार जाएगा और वो दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए जितना आपको नीड हो सिर्फ उतना ही ग्लू लगाइए और इसे अच्छे से स्टिक कर दीजिए दबा के। ये देखिए, नीचे भी एक बार मैं ग्लू लगा लूंगी। वैसे वो स्टिक हो चुका है, थोड़ी सी फिनिशिंग टच देने के लिए थोड़ा सा मैं ग्लू और लगा के इसे टक कर दूंगी। ये देखिए, ये ग्लू अभी सूख जाएगा तो वो दिखेगा नहीं। जैसे ये ऊपर मैंने पूरा लगाया है, वैसे नीचे भी मैं लगा दूंगी। अब मैं इसकी करूंगी डेकोरेशन। मैंने थाली की डेकोरेशन आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है, तो उसी पैटर्न में मैं इस पर भी डेकोरेट करूंगी, उसी कलर कंट्रास्ट में। तो सबसे पहले मैं ऊपर की तरफ लगाऊंगी गोटा। मरून और गोल्डन का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगता है, तो वही कॉम्बिनेशन मैंने लिया है। तो इसको अच्छे से पूरे पे मैं ग्लू गन से ग्लू लगाते हुए गोटा लगा दूंगी पूरे में। और जो रिमेनिंग गोटा है उसे मैं कट कर दूंगी। ये देखिए, हमारा पूरा गोटा लग के रेडी है। अब मैं इस पे लगाऊंगी बूटी, जो कि मैंने अपनी थाली पे भी की थी। और जो मैंने फ्रिल्स बनाई थी वो इसमें लोटे में, इसमें मैं नीचे की तरफ लगाऊंगी। तो जब आप रखेंगे तो वो पूरा एक फ्लावर टाइप्स लगेगा, वो बहुत प्रिटी लगने वाला है। आप देखिए, ऊपर की तरफ एक बार गोटे की लेस को स्टिक कर दीजिए, उसके ऊपर ग्लू लगाइए, एक फ्रिल बनाइए, फिर ग्लू लगाइए, फिर फ्रिल बनाइए। इस तरह से आप करते जाइए और ये पूरी फ्रिल बन के रेडी हो जाएगी। आप देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें पूरी एक ये फ्रिल बना लेनी है। थोड़ा सा ध्यान से गाइस, ग्लू बहुत तेज गर्म होता है, डोंट हार्म योरसेल्फ। और ये थाली बहुत सुंदर लग रही थी पूरी बनने के बाद, तो मैं आपको दिखाऊंगी उसकी भी पिक कि वो कैसी लग रही है। I
एंड ये कलर कॉम्बिनेशन तो फेस्टिव सीजन के अकॉर्डिंग बहुत ही अमेजिंग है। ये देखिए हमारी पूरी फ्रिल बन के रेडी हो चुकी है। एक्स्ट्रा पार्ट मैं कट कर लूँगी और जो ये दोनों कॉर्नर्स आपके बच्चे हैं इन्हें भी एक बार ग्लू से स्टिक कर लीजिए दोनों कॉर्नर्स को, स्टार्टिंग और एंडिंग कॉर्नर को, ताकि वो पूरा एक फ्लावर लगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसे करना है। हल्का सा ग्लू लगाया और इसे स्टिक कर दिया। ग्लू बहुत तेज़ गर्म है, थोड़ा ध्यान से। ये देखिए हमारा बन गया है। अब मैं इस पर ऊपर की साइड भी फ्रिल लगा दूंगी। आप देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। जो आपने गोल्डन लेस लगाई थी गोटे की उस पर हमें इसे करना है। आप उसे ज़रूर लगाइएगा, थोड़ा फिनिशिंग टच आता है उससे, वरना आप वो आप स्किप भी कर सकते हैं जो मैंने इससे पहले पतला वाला गोटा लगाया था, बट उसे लगाइए, उससे थोड़ा और ग्रेस आता है आपकी किसी भी डेकोरेशन को। देखिए पहले ग्लू लगाया, उस पर थोड़ा सा फ्रिल बनाई, फिर ग्लू लगाया, फिर थोड़ी सी फ्रिल बनाई। इस तरह से आप चौड़ी भी फ्रिल बना सकते हैं, मतलब थोड़ा स्पेस दे दे के, या बहुत और क्लोज भी कर सकते हैं कम स्पेस दे के। मैंने मीडियम स्पेस दे के इसकी फ्रिल बनाई है। बस ऐसे ही हमें पूरे अपने लोटे को पूरा कवर करना है। अब इसका एक्स्ट्रा पार्ट कट आउट कर दिया है और जो रिमेनिंग है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिक कर दूंगी मैं। देखिए इस तरह से ग्लू लगाया और उसको जैसे हम फ्रिल बना रहे थे उसको ऑपोजिट साइड में करके एक फ्रिल बना देनी है, ताकि वो एक इवन लुक दे। बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि वो अलग पार्ट है कोई भी। देखिए हमारा ये लोटा बन के रेडी है। ये जो मैंने बूटी लगाई थी ये थोड़ा कम अच्छी लग रही थी ऊपर की तरफ, ये पूरा जो इसका हेवी वाला पार्ट था ऊपर छुप गया था, तो मैं इसको ऑपोजिट साइड में करके लगा रही हूँ, ताकि वो जो मोटा वाला पार्ट है, हेवी वाला पार्ट है, वो पूरा दिखे। ये देखिए हमने इस तरह से इसे लगा दिया है। और ये जो आपको खाली स्पेस दिख रहा है इस पर हम लगाएंगे मिरर्स। ये मेरे पास राउंड मिरर है, ये मैं इस पर पूरे पे इस तरह से स्टिक कर दूंगी जैसे मैं आपको शो कर रही हूँ। आपको ये मिरर्स काफ़ी सारी शेप्स में, बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ में मिल जाएंगे किसी भी डेकोरेशन शॉप पे। ये देखिए हमारा प्यारा सा लोटा बन के रेडी है। कितना सुंदर लग रहा है ये लोटा। आप जैसे मैंने ये लोटा डेकोरेट किया है वैसे ही मैंने अपना ग्लास और अपनी छलनी को भी डेकोरेट किया है। जैसे फ्रिल्स लगाई हैं मैंने लोटे पे, वैसे ही इन दोनों पे भी मैंने फ्रिल लगाई हैं। देखिए कितनी सुंदर थाली बन के रेडी है। आप लोग इस थाली को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। आती हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय, लव यू ऑल।